शुरू करेंगे आपकी यूनिट टू। यूनिट टू का आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण के नियोजन यानी प्लानिंग के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो शिक्षण बिंदु खोजना, शिक्षण पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, उद्देश्यों को पहचानना, ये सभी आता है। शिक्षण की व्यवस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आपका क्या आता है, तो शिक्षण विधियाँ, युक्तियों एवं प्रविधियों का चयन, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन, प्रयोग से संबंधित, ये सभी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का मार्गदर्शन यानी लीडिंग के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो सीखने के लिए छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न करना, संपूर्ण कालांश में छात्रों का शिक्षण के प्रति रुचि बनाया जाना, और ये सभी एकदम ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका कि शिक्षण के नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो मापन एवं मूल्यांकन का अध्ययन, सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा, दोनों ही। शिक्षा के क्षेत्र में अविक्रमित अध्ययन को उपहार प्रदान किया किसने, तो अनुदेशन तकनीकी ने। शिक्षण को माना जाता है विज्ञान या कला, तो दोनों। शिक्षण द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति संभव है, तो भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, इन सभी से। उसके बाद में इंग्लिश शब्द कोश के अनुसार नीति का अभिप्राय क्या होता है, तो युद्ध कला और युद्ध कौशल, दोनों ही। उसके बाद में शिक्षण नीतियों का चयन किया जाता है, तो उद्देश्यों के आधार पर। शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है, पाठ्य, याद रखिएगा, शिक्षण नीतियों का चयन किया जाता है उद्देश्यों के आधार पर, और शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है पाठ्य वस्तु के आधार पर, ठीक। उसके बाद में देखो, शिक्षण नीतियों को कितने वर्ग होते हैं आपके, तो चार। जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो मस्तिष्क विप्लव, वाद विवाद, योजना पद्धति, सभी। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों के अंतर्गत आपका क्या था, तो अभिक्रमित अनुदेशन, व्याख्यान और ट्यूटोरियल, ये सभी। ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के प्रतिपादक आपके कौन है, तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई थी, तो ह्यूरिस्को से हुई थी। ह्यूरिस्को शब्द का तात्पर्य क्या है ना, तो देखो इसका ऑप्शन ही नहीं है वैसे, है ना, लेकिन करेक्ट आंसर इसका क्या होता था, मैं खोजता हूँ, है ना, यही था शायद। उसके बाद में देखो जरा, अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि के शिक्षण क्रम को निम्न सोपानों में विभाजित किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांच आपका। अन्वेषण विधि का उपयोग किया जाता है आपका, तो उच्च विश्व कक्षा में, याद रखिएगा, उच्च शिक्षा जो होती है उसमें आपका अन्वेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र के अध्यापक किलपैट्रिक शिष्य थे आपके, किसके थे, तो जॉन ड्यूवी के थे, ठीक है। बी एम ब्लूम प्रवर्तक माने जाते हैं किसके, तो स्वामित्व अधिगम व्यू रचना के। शिक्षण व्यू रचना तथा शिक्षण विधियों में अंतर होता है किसका होता है, तो उद्देश्यों का होता है। पत्रकार किस प्रकार के होते हैं आपके, तो ऑप्शन डी, उपर्युक्त, सभी प्रकार के, यानी फ्रीलांसर, पूर्णकालिक, अंशकालिक। सुकरात ने शिक्षण व्यू रचना प्रतिपादित की, कौन सी, तो प्रश्नोत्तर, ठीक। नेक्स्ट, शिक्षण सामग्री के वर्गीकरण में अनुभवों का शंकु नामक वर्गीकरण किसने दिया था, तो किसने दिया था, एडगर डेल ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फिजिकल साइंस में भी बना था। यदि अध्यापक के पास सच्चा आदर्श नहीं है, उसे शीघ्र ही दुकानदार बन जाना चाहिए, ये वहाँ उसे अपनी योग्यता अनुसार निसंदेह एक आदर्श प्राप्त होगा। शिक्षकों की व्यवसायिक आचार संहिता के बारे में कहा, ये किसने कहा था आपका, तो लॉरी ने कहा था। उसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण के आविष्कारक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डी एलन है। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, ये परिभाषा आपकी किसने दी थी, तो ये परिभाषा दी थी आपकी एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण आ है क्या है आपका, तो वास्तविक शिक्षक है, समूह या अनुवर्ग या काल्पनिक, तो वास्तविक शिक्षक। सूक्ष्म शिक्षण सूत्र कौन से हैं आपके, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो जरा, सूक्ष्म शिक्षण का व्यवहार परिवर्तन करना है, प्रशिक्षु अध्यापकों का सेवारत अध्यापकों का विद्यार्थियों का, प्रशिक्षु अध्यापकों के निरीक्षकों को, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षु अध्यापकों का। भारतीय शिक्षाविद जिसने सूक्ष्म शिक्षण पर महत्वपूर्ण कार्य किया, तो वह आपके बी के पास। सूक्ष्म शिक्षण एक कक्षा में विद्यार्थी होते हैं आपके, तो 5 से 10 उच्च शिक्षा दूरदर्शन परियोजना कार्यक्रम आपका आरंभ हुआ था, तो 1984 में भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है आपका। तो लिंगवा फोन का सीखने में सबसे अधिक भूमिका होती है किसकी, तो देखने की भूमिका होती है, वो किस में, ठीक। शिक्षण प्रतिमान होता है कैसा होता है आपका, तो शिक्षण व्यू रचना है। ब्रूस जवाइस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को विभाजित किया है, तो 4 भागों में। शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण होता है कैसा होता है, तो वैज्ञानिक या विज्ञान से संबंधित, है ना। शिक्षण प्रतिमान के किस भाग में शिक्षक की भूमिका का वर्णन होता है, तो सामाजिक प्रणाली का। शिक्षण प्रतिमान के पदों की संख्या की जाती है, तो संरचना के में की जाती है। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान किस वर्ग से संबंधित है आपका, तो सूचना प्रक्रिया स्रोत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 42 देखिए जरा क्या है, प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन है, रेड साइज को मैं लीव करूंगी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए जरा, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है आपका, तो डेविड आसुबेल है। कौन, आसुबेल, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक। शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं, इसके अंतर्गत विशेष उल्लेख किया जाता है जिससे कि छात्र इस प्रकार अंतःक्रिया कर सके कि उनके व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन हो सके। शिक्षण प्रतिमान की यह परिभाषा है, तो किसकी, ब्रूस ज्वाइस की। छात्रों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान।
ठीक, उसके बाद में देखिए जाए निम्नलिखित में से कौन अप्रक्षेपित साधन है आपका, तो श्यामपट्ट जो है वो आपका क्या है, अप्रक्षेपित साधन है। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया किसने किया, तो रॉबर्ट ग्लेसर ने किया। स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, तो हर्बर्ट माने जाते हैं। बोध स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं आपके, तो मॉरिसन माने जाते हैं। बोध के कौन माने जाते हैं, तो मॉरिसन। चिंतन स्तर के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो हंट। कौन माना जाता है, हंट। देखो कैसे याद रखो कि जब आपको हंट नहीं याद करके यहाँ पर याद करो हर्ट, जब आपको हर्ट होता है तब जब आप उस चीज़ का चिंतन करने लगते हैं, ठीक। बोध स्तर के शिक्षण के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो मॉरिसन माने जाते हैं। स्मृति स्तर के हर्बर्ट माने जाते हैं, कैसे, जैसे आपने दूध जो है मान लो गैस पर चढ़ा दिया, अब दूध अब आपको याद ही नहीं रहा कि गैस पर चढ़ा है, एकदम से जैसे ही आपकी स्मृति में आया, अर्थात याद आया का मतलब जैसे ही आपकी स्मृति में आया तो आप क्या हो जाते हैं, तुरंत हड़बड़ा जाते हैं, तो इस ऐसे याद रखते हो कि हर्बर्ट हो गया, ठीक है। बुनियादी शिक्षण का क्या था आपका, तो रॉबर्ट ग्लेसर था। ग्लेशियर जो होते हैं यही तो क्या है, जब हम लोग घूमने जाते हैं तो देख करके आते हैं कि इनकी कितनी ज़्यादा क्या बुनियाद है, किसको लेकर के आते हैं, तो ग्लेशियर को हम लोग देखने जाते हैं ना, माउंट एवरेस्ट टाइप चीज़ों जगह में, ठीक। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादक आपके कौन है, तो रिचर्ड सचमैन। क्या है, रिचर्ड सचमैन है। नेक्स्ट देखो कैसे याद रखोगे, जो सचमैन यानी कि जो मैन सच बोलते हैं है ना, उनका उनको क्या होता है, उनका अच्छा परीक्षा की जगह अच्छा प्रशिक्षण होता है। जो सच बोल मैन जो मैन सच बोलते हैं उनका परीक्षा जो होता है मतलब अच्छा प्रशिक्षण होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो स्वामित्व अधिगम प्रतिमान में व्यावसायिक बुद्धि के साधन आपके कौन से, निरंतर अध्ययन एवं अधिगम, वैवाहिक संघों की सक्रिय सदस्य, आत्मनिरीक्षण एवं स्व आकलन, ये सभी हैं। स्कूल की शिक्षा की जवाबदेही होती है आपकी, तो प्रबंधक की, प्राचार्य की, प्राध्यापकों की, इन सभी की। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शिक्षा में संस्तुति की गई है, तो करेक्ट आंसर जो है मेहरोत्रा कमेटी के द्वारा की गई है। अगर अभी तक हमारे पेड कंटेंट को नहीं लिया, तो पेड कंटेंट जिन बच्चों के पास है वो लोग पढ़ लीजिएगा, जिनके पास नहीं है वो भाई अगर हमारे समय मिलेगा तो इतने सारी उसमें चीज़ें हैं, लेकिन हम उसे 300 लगभग क्वेश्चन रात में कराने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारी आपसे यही रहा कि 50 रुपये का मुंह ना देख करके ले लो चुपचाप। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत की गई है, तो कहाँ से की गई, अमेरिका से। विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के मूल्यांकन की शुरुआत की गई 1920 से। भारत में विद्यार्थियों द्वारा अध्यापक को मूल्यांकन प्रारंभ हुआ 1970 से। स्कूल के शिक्षा की जवाबदेही का संबंध होता है, तो भूमिका निर्वाह, स्कूल कार्यों की समीक्षा और उत्तरदायित्व के निर्वहन, ये सभी से। व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाला कारक क्या है आपका, तो व्यावसायिक शिक्षा, प्रोत्साहन और वेतनमान, ये सभी। जनसंचार का साधन आपका क्या है, तो चलचित्र, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सभी। शिक्षण सामग्री को विविध रूप में एक पाठ्य वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो बहुमाध्यम उपागम कहा जाता है। बहुमाध्यम केंद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो अधिगम स्रोत केंद्र, अनुदेशात्मक सामग्री केंद्र और पाठ्य सामग्री केंद्र, ये सभी कहा जाता है। किसने कहा कि शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जो कक्षागत परिस्थितियों में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य होती है, तो ये बात कही थी आपके एडमंड एमिडन ने। किसका कथन है कि शिक्षण परिपक्व तथा अपरिपक्व व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संबंध है, जिसका प्रारूप अपरिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एच सी मॉरिसन। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, किसका कथन है आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बी ओ स्मिथ का। अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है, तो अच्छे शिक्षण की विशेषता है आपकी जनतंत्रीय मूल्यों एवं आदर्शों पर आधारित, वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता, या फिर ये सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। निम्न में कौन सा कथन आपका सही है, तो शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया होती है, अनुदेशन के अंतर्गत शिक्षा एवं शिक्षार्थी के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं होती है, शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है परंतु अनुदेशन में शिक्षण होना आवश्यक नहीं है, तो ये सभी सही हैं। शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है पूछा गया, तो देखो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, एकदम सही है। द्विमुखी किसके अनुसार है, तो एडम्स के अनुसार। शिक्षण द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास किया जाता है, ये भी एकदम सही। अनुदेशन द्वारा केवल ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित किया जाता है, तो ये सभी एकदम सही हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 70 देखो जरा, शिक्षण का चरण है आपका, तो पूर्व क्रिया चरण है, अंतः क्रिया चरण है, उत्तर क्रिया चरण है, या फिर ये सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण में निम्न में से कौन से क्रिया सम्मिलित है आपकी, तो शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण तथा पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय, शिक्षण की युक्तियों के संबंध में निर्णय लेना, शिक्षण युक्तियों का वितरण, तो ये सभी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए जरा, शिक्षण के अंतःक्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित है आपकी, तो सीखने वालों का निदान, कक्षा के आकार की अनुभूति, क्रिया तथा प्रतिक्रिया, ये सभी सही हो जाएगा।
शिक्षण में क्रिया तथा प्रतिक्रिया के अंतर्गत कौन सी क्रिया सम्मिलित है आपकी, तो प्रेरक का चयन एवं प्रस्तुतिकरण, पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन, शिक्षण युक्तियों का विस्तार, तो ये सभी एकदम सही हो जाएगा। शिक्षण के उत्तर क्रिया चरण में किस क्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ये सभी मतलब शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन में शुद्ध रूप की परिभाषा, उसके बाद में मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का चयन, प्राप्त साक्षियों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन, ये सभी सही हो जाएगा। शिक्षण के स्तर आपके कौन से हैं, तो बोध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलेंगे कि शिक्षण का प्रारंभिक स्तर आपका कौन सा है, तो स्मृति स्तर शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है, शिक्षण का अंतिम स्तर है आपका चिंतन स्तर, शिक्षण उसके बाद में देखो स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी क्रम तथा ढंग जागृत है जैसे वे पहले हुए थे, तो ये बात किसने कही थी, स्टाउट ने। किसने कहा कि सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग की स्मृति कहते हैं, तो किसने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था। स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती हैं आपकी बताइए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर स्मृति की 3 अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन बी। स्मृति की अवस्था प्रत्यास्मरण, अधिगम धारणा, पहचान, ये तीनों ही हैं सही आपके। अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है कि व्यर्थ की बातों को नहीं भूलना। स्मृति स्तर देखो, स्मृति स्तर के शिक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है, तो स्मृति स्तर का शिक्षण सूझबूझ से युक्त होता है, ये जो है आपका क्या है, सही नहीं है। उसके बाद में नहीं, इसका ऑप्शन देखो ऑप्शन डी एकदम सही होगा। पूछो क्यों, क्योंकि स्मृति स्तर के शिक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है पूछा गया है। स्मृति स्तर शिक्षण विचारहीन होता है, देखो स्मृति स्तर शिक्षण में छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञानात्मक स्तर पर तथ्यों पर सूचनाओं के बाहर से बलपूर्वक ढांसा जाता है। उसके बाद में क्या है, स्मृति शिक्षण का शिक्षण रटने पर बल देता है, स्मृति शिक्षण का शिक्षण सूझबूझ से युक्त होता है, नहीं तो हाँ तो ठीक है ऑप्शन सी सही होगा, डी नहीं होगा, हमें लगा क्योंकि स्मृति स्तर की बात की गई ना, रटने की प्रवृत्ति पर तो आधारित होती है, सही क्वेश्चन। स्मृति स्तर के शिक्षण में किसके द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम और उद्दीपन अनुक्रिया, यानी सर। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक माना जाता है, तो हर्बर्ट को माना जाता है। स्मृति शिक्षण के शिक्षण में क्या सही है पूछा गया, क्या सही है, तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि स्मृति स्तर का शिक्षण शिक्षक प्रधान होता है, सही बात है। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों की रुचियों, रुझानों, योग्यताओं, आवश्यकताओं पर ध्यान न देकर उन्हें कठोर अनुशासन में जकड़े हुए उनसे मस्तिष्क में तथ्यों तथा सूचनाओं से बाहें से ठूसते हैं। इस स्तर का शिक्षण ज्ञानात्मक पक्ष तक ही सीमित रहता है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान के प्रारूप के सोपान आपके कौन कौन से हैं, तो सामाजिक उद्देश्य, संरचना, मूल्यांकन प्रणाली, ये सभी हैं। हर्बर्ट महोदय ने स्मृति शिक्षण के कितनी व्यवस्था को कितने पदों में बांटा है, तो 5। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली को पहला पद आपका कौन सा है, तो तैयारी एवं प्रस्तावना। कौन सा कथन आपका सही है, तो बोध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण पहले स्मृति को हो चुका हो। बोध स्तर का शिक्षण अर्थपूर्ण होता है, इस स्तर का शिक्षण करते समय शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों ही पाठ के विकास में सक्रिय होंगे, सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी। ये सभी निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है, तो बोध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण पहले स्मृति स्तर को हो चुका हो। बोध स्तर का शिक्षण अर्थपूर्ण होता है, इस स्तर का शिक्षण करते समय शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों ही पाठ के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो तीनों ही बातें सही हो जाएंगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया, तो मॉरिसन ने किया। किसने किया है, मॉरिसन ने किया। मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रारूप का पक्ष है, तो उद्देश्य, संरचना, मूल्यांकन प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, ये सभी। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को कितने सोपानों में बांटा है, तो 5 सोपानों में बांटा है। चिंतन स्तर के शिक्षण के संबंध में क्या सही है आपका, तो चिंतन स्तर के शिक्षण का तात्पर्य समस्या केंद्रित शिक्षण से होता है, सही बात है। चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति या बोध दोनों स्तरों का शिक्षण नीत है, ये भी बात सही है। उसके बाद में है कि चिंतन स्तर का शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हुए उनमें सृजनात्मक क्षमताएं विकसित करने में सहयोग प्रदान करता है, तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है, तो हंट को जाता है। किसको जाता है, हंट को जाता है। 97 देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का विकास 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसने किया था, तो DLN ने किया था। किसने कहा, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रिया में बांटता है, तो DLN ने कहा था। सूक्ष्म शिक्षण के विषय में पूर्व धारणा है क्या है, कि ये वास्तविक शिक्षण है तथा इसके द्वारा शिक्षक
जटिलताओं को कम किया जा सकता है। ये पूर्ण रूपेण व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस विधि द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है तथा प्रतिपुष्टि या प्रतिपोषण द्वारा अभ्यासों को नियंत्रित किया जा सकता है। ये सभी सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में सही है क्या है कि भाई ये पाठ्य वस्तु को एक इकाई में प्रस्तुत किया जाता है। कक्षा में इसमें 10 तक विद्यार्थी होते हैं। शिक्षण अवधि 5 से 20 मिनट तक होती है। 101 नंबर प्रश्न क्या है आपका कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पद कौन सा नहीं है, तो दीर्घ पाठ योजना है, समूह 40 छात्र अर्थात दीर्घ समूह, ये आपका क्या सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है। अब देखो पद हैं कौन कौन से, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बना देता है। तो पुनः योजना, पुनः शिक्षण और पुनः मूल्यांकन ये पद है। लघु समूह को पढ़ाना, प्रतिपुष्टि और प्रतिपोषण ये भी है। विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करना जैसे कौशल प्रदर्शन, लघु पाठ योजना, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का आपका गुण क्या है, तो सभी मतलब जैसे कि इसके अंतर्गत छात्रों की संख्या कम तथा शिक्षण अवधि जो होती है, जो ड्यूरेशन होती है वो भी कम होती है। इसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। इसमें तत्कालिक प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण की सीमा क्या है, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में व्यवस्था करना महंगा पड़ता है, तो बात तो सही है। यह विधि स्वयं में संपूर्ण विधि नहीं है तथा इसके प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता रहती है, ये भी बात सही है। प्रशिक्षकों का सर्वदा अभाव पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी। ये सभी सूक्ष्म शिक्षण का लाभ क्या है आपका, तो ये व्यक्तिगत प्रशिक्षण की सफल विधि है। इसके द्वारा विशिष्ट कौशलों का विकास किया जाना संभव है। इस विधि में तार्किक प्रभावशाली प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है, ऑप्शन डी। ये सभी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105। बीके पासी 1975 ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की, तो 13 शिक्षण कौशलों की सूची इन्होंने तैयार की थी। आ रही है बात समझ, आ रही है तो एक बार भाई फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। इसके जस्ट बाद पार्ट 3 करेंगे हम लोग, यूनिट 3 के भी क्या होंगे आपके क्वेश्चंस, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रदर्शित की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 14। उसके बाद में देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी में जो शाब्दिक संप्रेषण होता है उसके निरीक्षण एवं अंकन को ही अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। अंतःक्रिया वर्ग पद्धति का विकास से 1950 में किया था, ये बात है तो कार्ल पियर्सन ने कहा। फ्लेंडर ने कक्षा में होने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के व्यवहारों को कितने वर्गों में बांटा है, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, 10 वर्गों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति के संदर्भ में क्या सही है, तो इसमें अशब्द, देखो इसमें अशाब्दिक व्यवहारों को शामिल नहीं किया जाता है। कक्षा में छात्रों और शिक्षकों के शाब्दिक व्यवहारों के वर्गीकरण के लिए अंतःक्रिया विश्लेषण एक प्रेक्षण यंत्र के रूप में कार्य करता है। इस विधि का विकास शाब्दिक संप्रेषण को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, तो ये सभी एकदम सही हो जाएगा। फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में शिक्षण वार्ता को 7 वर्गों को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया, तो 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, याद है ना आपको। उसके बाद में क्या शिक्षक वार्ता का भाग है आपका कौन है, तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष वार्ता। फ्रेलर के अंतःक्रिया क्रिया के अप्रत्यक्ष वार्ता के अवयव आपके कौन से हैं, तो प्रश्न पूछना तथा प्रशंसा या प्रोत्साहन, भावनाएं स्वीकृत करना, विचारों को स्वीकृत करना और प्रयोग करना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में शिक्षक वार्ता के अंतर्गत प्रत्यक्ष वार्ता के अवयव आपके कौन से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, व्याख्यान देना, निर्देश देना, आलोचना, ये सभी हैं। फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में विद्यार्थी वार्ता के कितने वर्ग हैं, तो 2 वर्ग हैं। फ्लेंडर की अंतःक्रिया वर्ग पद्धति कक्षा में होने वाले छात्रों एवं शिक्षकों के व्यवहार के अंदर वर्ग संदर्भ में क्या सही है आपका, तो ये सभी यानी छात्रवार्ता, शिक्षक वार्ता के 7 वर्ग, छात्रवार्ता के 2 वर्ग और कक्षा चुप्पी या अव्यवस्था का 1 वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, फ्लेंडर विधि की उपयोगिता क्या है आपकी, तो ये विधि अधिकतर शिक्षक वार्ता पर केंद्रित होती है तथा कक्षा कक्ष शिक्षण के निरीक्षण में वस्तुनिष्ठ विधि है। ये विधि अनुकरणीय तथा सूक्ष्म शिक्षण विधि में बहुत लाभकारी है। कक्षा में सामाजिक संवेगात्मक वातावरण को मापने के लिए ये एक प्रभावी विधि है, तो सभी सही हो जाएंगे। शिक्षण मशीन का उपयोग नहीं है, क्या नहीं है, तो इसके प्रयोग से शिक्षक का कार्य कठिन हो जाता है, ये नहीं है। किसने कहा कि किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है, तो H.C. Wilde ने कहा। क्या H.C. Wilde ने कहा,
उसके बाद में क्या है कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के संबंध में सोचने विचारने की एक रीति है। इन्हीं के अनुसार प्रतिमान कक्षा प्रतिमान किसी वस्तु को विभाजित तथा व्यवस्थित करके तर्कसंगत ढंग को प्रस्तुत करने की विधि। ये बात किसने कही थी आपकी, तो ह्यूमैन ने कही थी। किसने कहा कि शिक्षण प्रतिमान मात्र अनुदेशन के प्रारूप के अनुदेशन की रूपरेखा है, वे विशिष्टीकरण और विशेष प्रकार के वातावरण की परिस्थितियों के निर्माण की प्रक्रिया है जो छात्रों में अंतःक्रिया करवाती है जिससे उनके व्यवहार में विशेष रूप कर सकें विशेष परिवर्तन कर सकें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जॉयस और वेल ने कहा था। शिक्षण उद्देश्य के अंतर्गत कौन सी बात आती है आपकी, तो व्यवस्थित परिवर्तन और उसके दिशा क्रिया, ये सभी आती है। ठीक है, इस किसके अनुसार उद्देश्य वह बिंदु है या अभिष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, अथवा उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता अथवा जिसके लिए हम किया करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NCERT। BS ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का कौन सा पक्ष नहीं है, तो प्रयोगात्मक पक्ष नहीं है, बाकी ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 की BS ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करने के लिए कितने स्तरों को पार करना पड़ता है, तो 6 स्तरों को। आई के डेविस के अनुसार शिक्षण का नियोजन करते समय शिक्षक को कौन सी क्रिया करनी पड़ती है, तो आप करना पड़ता है कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों को पहचानना और सीखने के उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखना। ये सभी एकदम सही हो जाएगा। किसने कहा कि शिक्षण की नीतियाँ शिक्षण की विधियों से अधिक व्यापक होती हैं, तो ये बात कही थी आपके आई के डेविस ने कहा था इन्होंने, शिक्षण नीतियाँ जो है वो विधियों से अधिक व्यापक होती हैं, शिक्षण नीतियों के संबंध में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा कि शिक्षण की नीतियाँ शिक्षण की विधियों से कम व्यापक होती हैं। 128 क्या कह रहा है कि शिक्षण विधियों के संदर्भ में क्या सही है आपका, तो शिक्षण विधियाँ परंपरागत मानव व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित होती हैं। इसके मूल्यांकन का मापदंड जो है वो पाठ्य वस्तु का स्वामित्व माना जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण करना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण नीतियों का प्रकार आपका क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभुत्ववादी और जनतांत्रिक नीतियाँ। ये क्या है आपके, शिक्षण नीतियों के प्रकार है। प्रभुत्ववादी नीति कौन सी नहीं है इनमें से, तो खोज नीति प्रभुत्ववादी नीति नहीं है, बाकी भाषण प्रदर्शन ट्यूटोरियल अभिक्रमी अनुदेशन ये सब आपके प्रभुत्ववादी नीति है। जनतांत्रिक शिक्षण इनमें से कौन सा नहीं है, तो अभिक्रमी अनुदेशन जो है आपका वो जनतांत्रिक शिक्षण नहीं है, बाकी वाद विवाद मस्तिष्क विप्लव योजना पद्धति ये सब आपका जनतांत्रिक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। जनतांत्रिक शिक्षण नीति क्या है, तो खोज एवं अन्वेषण पात्र अभिनय गृह कार्य एवं ट्यूटोरियल ये सभी। वाद विवाद के एवं प्रकार हैं किसका है, तो औपचारिक अनौपचारिक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों ही। टीम शिक्षण का सर्वप्रथम विकास सन 1955 में कहाँ हुआ, तो देखो भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय में। टोली शिक्षण की विशेषता क्या होती है आपकी, तो वह सहकारिता, ये सहकारिता पर आधारित है, इसमें दो या दो से अधिक शिक्षक शिक्षण में कार्य में भाग लेते हैं, इसमें शिक्षण का उत्तरदायित्व तो एक ही शिक्षक को ना होकर संपूर्ण टोली को होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। टोली शिक्षण का प्रकार है, किसका प्रकार है, तो एक ही विभाग के शिक्षक की टोली का। टोली शिक्षण प्रक्रिया का सोपान कौन सा नहीं है, तो व्यवस्था करना नहीं है। उसके बाद में है कि टोली शिक्षण का लाभ है, तो क्या लाभ है टोली शिक्षण का, अनुदेशन की गुणवत्ता एवं लचीलापन, समूहों का अधिक विशेषज्ञों से सामना, उसके अंदर शिक्षक के व्यावसायिक स्तर का विकास एवं स्वतंत्र बहस के अवसर, तो ऑप्शन डी ये सभी सही हो जाएगा। टोली विधि की सीमा आपकी कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा कि कम खर्चीली विधि आपकी ये है, ये इसकी सीमा नहीं है। उसके बाद में भाषण विधि के संदर्भ में क्या सही नहीं है आपका, तो भाषण द्विमार्गी विधि है, ये आपका संदर्भ नहीं है। सामूहिक वाद विवाद विधि के प्रतिपादक आपके कौन है, तो ऑप्शन सी हैरी ए श्रावर स्ट्रीट, ये आपके क्या है, वाद विवाद विधि के प्रतिपादक है। सामूहिक वाद विवाद विधि का उद्देश्य क्या होता है आपका, तो क्या होता है, समस्या का मूल विश्लेषण एवं सूचना तथा क्या तथ्य प्रदान करना, मूल्यों का निर्धारण, जनसाधारण का मनोरंजन, ये सभी सही हो जाएगा। सामूहिक वाद विवाद के प्रकार हैं कौन से हैं आपके, तो सामूहिक वाद विवाद के प्रकार हैं आपके ये दोनों ही, सार्वजनिक सामूहिक वाद विवाद और शैक्षिक सामूहिक वाद विवाद। सामूहिक वाद विवाद का सैद्धांतिक आधार आपका नहीं है, तो आधुनिक व्यवस्था सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाता। सामूहिक वाद विवाद का उपयोग क्या है आपका,
तो सामाजिक अधिगम को प्रोत्साहन, ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों की उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति, ज्ञान वृद्धि के साथ साथ छात्रों को समस्या समाधान तक शक्ति आलोचना करने की क्षमताओं तथा दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान की प्रवृत्ति का विकास करना, ऑप्शन डी हो जाएगा सही एकदम। सामूहिक वाद विवाद की विशेषता है, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा कि इससे समस्या समाधान की क्षमताओं एवं प्रवृत्ति का विकास होता है। इससे छात्रों में सही दृष्टिकोण एवं अभिवृत्तियों तथा दूसरों के विरोधी विचारों के प्रति सम्मान की भावना का विकास हो जाता है। उसके बाद में इससे छात्रों में सृजनात्मकता तथा आलोचनात्मक विश्लेषण एवं विवेचन की क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास हो जाता है, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी विचार गोष्ठी यानी सेमिनार प्रवधि का उद्देश्य है क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि भाई विश्लेषण संश्लेषण आलोचनात्मक समस्या आलोचनात्मक क्षमताओं तथा मूल्यांकन की योग्यता का विकास। उसके बाद में क्या है आपका, अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचार तथा दृष्टिकोण की सहनशीलता का विकास, इससे अपना दृष्टिकोण रखने स्पष्टीकरण करने तथा स्पष्टीकरण मांगने के व्यवहारों का विकास होता है, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। विचार गोष्ठी का मतलब होता है बेटा सेमिनार, सेमिनार का प्रकार क्या है, तो ऑप्शन डी यानी कि लघु तथा मुख्य। विचार गोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी ये सभी। सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में क्या सही है आपका, तो सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाला एवं वैश्विक विधि नहीं है, है ना। उसके बाद में देखिए क्या है पूछा गया था, क्या सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। बाकी ये शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित अभ्यास प्रक्रिया एकदम सही हो जाएगा। इसका विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय सन 1961 में हुआ था, किसका, तो सूक्ष्म शिक्षण का। बाकी सन 1963 में AWLN है ना, AWDLN ने इस उपागम की विषय व्याख्या की तथा इसे सूक्ष्म शिक्षण का नाम दिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसके अनुसार, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन अभ्यास कक्षा आकार व कक्षा अवधि न्यूनीकृत अनुमाप है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है आपका, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो शिक्षण प्रशिक्षण का वैश्लेषिक विधि नहीं है, ये आपका क्या है सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। बाकी सब सही है कि परंपरागत शिक्षण में जटिलताओं को कम करता है, अभ्यास को अधिक नियंत्रित बनाने का प्रयास करता है, ये एक समय में एक कौशल को प्रशिक्षण पर बल देता है, सभी सही है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं था, तो शिक्षण प्रशिक्षण की वैश्लेषिक विधि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत नहीं है तो क्या नहीं है, प्रतिपुष्टि पर के विकास पर बल देना ये तो है, और एक समय में एक कौशल का प्रशिक्षण ये भी है, तो सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत क्या नहीं है पूछा गया था, तो अभ्यास प्रक्रिया में नियंत्रण का अभाव ये नहीं है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण की अवस्था है, क्या है आपकी अवस्था, तो ये सभी, सभी में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो ज्ञान प्राप्ति अवस्था, कौशल प्राप्ति अवस्था, और उसके बाद में कौशल हस्तांतरण अवस्था, ये सभी एकदम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में क्या सही है आपका, देखिए क्वेश्चन करेक्ट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपका कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 14 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने 18 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की है, भारत में MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा ने 21 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 155, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, तो प्रतिपुष्टि ज्ञान अंजन में सहायक नहीं होती, ये इसकी विशेषता नहीं है, बाकी जो है वो आप इनकी विशेषताएँ क्या है, इनकी विशेषता, तो ऑप्शन ए देखो कह रहा है कि कक्षा शिक्षण की जटिलता को कम करना, इससे छात्र में आत्मविश्वास में वृद्धि होती वृद्धि करता है ये, तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी देखो जरा कि इसमें छात्र अध्यापक अपनी क्षमताओं के अनुसार कौशलों को सीखता है, तो ये भी एकदम सही हो जाएगा, ठीक। तो एक बार फटाफट से सेशन लाइक कर दीजिए अगर आपको अभी तक समझ में आ रहा है वीडियो, और अगर अभी तक आप चैनल पढ़ने में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सूक्ष्म शिक्षण के महत्व क्या हैं आपके, तो ऑप्शन डी ये सभी हैं। पहला ऑप्शन है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण कौशलों में प्रवीणता लाने में ये प्रभावी विधि है, तो एकदम सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण का पर्यवेक्षण पूरी तरह से वस्तुगत होता है तथा छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है ऑप्शन कि इसके द्वारा छात्र अध्यापकों को कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया जाता है, तो ये भी एकदम सही हो जाएगा आपका, ठीक। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अनुकरणीय शिक्षण यानी सिमुलेशन टीचिंग को पुकारा जाता है, अग्रिम प्रशिक्षण से, भूमिका अभिनय से, उपचारात्मक विधि से, या फिर ये सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन
नंबर डी ये सभी अनुकरणीय शिक्षण का विकास किया था। किसने किया था? तो क्रुकशैंक ने किया था। किसने कहा कि अनुकरणीय शिक्षण काल्पनिक परंतु सत्य लगने वाला कृत्रिम रूप से निर्मित शिक्षण होता है जिसके सहारे प्रशिक्षार्थियों में वास्तविक घटना का सामना करने की क्षमता पैदा की जाती है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका संतोष मित्तल। आधुनिक भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है आपका? तो ऑप्शन सी कि छात्रों में सही उच्चारण अपेक्षित भाव लयबद्धता तथा शिक्षित मूल भापी की भांति प्रभाषा प्रवाह की योग्यता का को विकसित किया जाए। उसके बाद में क्या है कि भाई शिक्षण मशीन की विशेषता क्या है? तो ये मशीन शिक्षण समस्या के समाधान में सहायक होती है, सीधी सी बात है। इन मशीन से छात्र को उसकी अनुक्रिया के बारे में सूचना मिल जाती है, ये भी बात सही है। ये मशीन छात्रों को व्यक्तिगत रूप से तथा अपनी गति से कार्य करने का अवसर प्रदान करती है, ये भी बात सही है। शिक्षण मशीन के प्रकार आपके कौन से? अनुक्रियावान निर्मित मशीन और बहुविकल्पी मशीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। अंतःक्रिया विश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो अंकन, अध्यापक के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो अंतःक्रिया प्रतिमान और प्रवाह रेखा चित्र प्रवाह चार्ट, इन सभी का किसका विचार है कि उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में छात्र ने जो कुछ सीखा है उसको ध्यान में रखकर उसकी उन्नति प्राप्त करने के लिए होता है। ये बात है एसएस माथुर ने कही है। एनसीईआरटी वर्सेस सेंट्रल फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सीटी का गठन कब किया गया? तो 1970 में किया गया। किसने कहा कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह जो अधिगम उत्पन्न करने के लिए प्रेरित होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीओ स्मिथ ने। शिक्षण चर आपके कौन से? तो शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, व्यू नीति, ये सभी हैं। शिक्षण चरों का कार्य आपका क्या? तो शिक्षण चरों का कार्य है आपका ऑप्शन डी, ये सभी यानी निदान, उपचार और मूल्यांकन। शिक्षक प्रक्रिया का प्रमुख अवयव आपका कौन सा? तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, विषय वस्तु और संप्रेषण, ये दोनों। शिक्षा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो शिक्षा एक असामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा के संदर्भ में ये सही नहीं है। नेक्स्ट, किसने परिभाषित किया कि व्यवहारिक तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान का शिक्षक व्यवहार परिमार्जन में अनुप्रयोग है? तो डॉक्टर राम शुक्ल पांडे ने। किसने कहा कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो ऑप्शन डी इनमें से किसी ने नहीं कहा। किसने परिभाषित किया है कि नवाचार जानबूझकर किया जाने वाला नूतन एवं विशिष्ट परिवर्तन है जिसे किसी तंत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी माना जाता है? तो ये बात कही थी एमबी माइल्स। नवाचार के संदर्भ में क्या सही है आपका? तो ये जानबूझकर किया जाने वाला नियोजित प्रयास है, हाँ एकदम बात सही है। नवाचार में विशिष्टता का अंश सन्निहित रहता है, ये भी सही है। शिक्षा में नवाचार को गुणात्मक सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भी एकदम सही है। स्मार्ट स्कूल किस प्रदेश सरकार का अभिनव प्रयास है? तो महाराष्ट्र सरकार का। शिक्षण के स्तर, तो देखिए महाराष्ट्र सरकार जो है इसने स्मार्ट स्कूल के अभिनव का प्रयास किया था, है ना। फिर शिक्षण का स्तर आपका कौन सा? तो बोध, स्मृति और चिंतन स्तर है। संप्रत्यय एवं नियमों का प्रभावी शिक्षण किस स्तर पर होता है आपका? तो चिंतन स्तर पर। जैक्सन ने शिक्षण को किस अवस्था में विश्लेषित किया है? तो अंतःक्रिया अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180 देखिए। ऐसी परिस्थिति जो अपेक्षित अनुक्रिया के बार बार होने की संभावना में वृद्धि करती है, तो धनात्मक पुनर्बलन। किसने कहा है? शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की सामान्य विधि की व्याख्या है, तो ऑप्शन ए ब्रूनर ने कहा है। नेक्स्ट, पुनर्बलन के संबंध में क्या सही है आपका? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा कि ये मनोविज्ञान का शब्द है पहली बात, दूसरा ये एक प्रतिबंध है जो अपेक्षित अनुक्रियाओं की गति में वृद्धि करता है। बी एफ स्किनर की ऑपरेटिंग कंडीशनिंग इसी पर आधारित होती है। शिक्षा में उच्च अधिगम के लिए प्रविधि आपकी कौन सी है? तो सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, ये सभी। उसके बाद में परंपरागत सम्मेलन, देखो परंपरागत शिक्षा के विरुद्ध मुक्त शिक्षा की क्रांति का श्रेय किस अमेरिकन विचारक को जाता है? तो इवान एलिश, गुडमैन, एवरेस्ट, रोजर, इन सभी को। दूरस्थ शिक्षा का विकास पहले किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई आपकी? तो 1979 में हुई। भारत में सर्वप्रथम दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई आपके? तो हैदराबाद में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की स्थापना कब हुई आपके? तो 1985 में हुई। नेक्स्ट, खुले विश्वविद्यालय की विशेषता क्या होती है? कि भाई ये पारंपरिक औपचारिक विश्वविद्यालय की चार दीवारों से मुक्त होता है। ये शिक्षा का गैर औपचारिक या निरौपचारिक अभिकरण है तथा सर्वजन सुलभ है। खुला विश्वविद्यालय जीवन पर्यंत शिक्षा या सतत शिक्षा को सुलभ कराने का साधन है, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम इंग्लैंड में खुले विश्वविद्यालय का विकास कब हुआ आपका? तो 1969 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 191 देखो जरा।
किसने सर्वप्रथम बर्लिन यानी जर्मनी में सन 1856 में भाषा शिक्षण का कार्य पत्राचार द्वारा प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए एकदम चार्ल्स टूशेंट ने किया था। भारत में किस विश्वविद्यालय में पत्राचार शिक्षा का सूत्रपात किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई आपकी? तो 1980 में हुई। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता था? तो देवऋषि नारद मुनि को। उसके बाद में देखिए, धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु कौन थे आपके? तो इंद्र थे। महाभारत के युद्ध का विवरण सुनाया था किसने? तो संजय ने। देवऋषि नारद का वाद्य यंत्र कौन सा था? तो वीणा। हम जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए हैं? तो अंग्रेजों से। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि प्राप्त हुए हैं हमें पश्चिम से। मानव संजीवन अब संभव नहीं है संचार के बिना। जन माध्यमों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो पशुओं पर, पक्षियों पर, सभी प्राणियों पर, लोगों पर। तो सभी पर पड़ता है, ऑप्शन डी लोगों पर। उसके बाद में क्या है कि सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता होती है मनुष्य की? टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि विभिन्न माध्यम है आपके किसके? तो संचार और जनसंचार के। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 205 क्या कह रहा है कि टेलीविज़न पर दिखाए देखे गए क्रिकेट मैच को क्या कहते हैं? तो सीधा प्रसारण, कहते हैं ना सीधा प्रसारण। आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना नहीं की जा सकती है? तो संचार और जनसंचार के बिना। संचार शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से हुई है वो क्या है आपका? तो ऑप्शन बी चार। संचार का अर्थ क्या है आपका? तो ऑप्शन ए चलना। उसके बाद में क्या है, किसी संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है? ये बात है विल्बर श्रेम की। प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? तो ऑप्शन ए प्राप्तकर्ता करता है। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है क्या है? ऑप्शन ए डिकोडिंग है। फिर देखिए जरा, फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है आपका? तो ऑप्शन ए संचारक। संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचती है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, सोर से। आत्माओं और पूर्वजों के साथ बातचीत के रूप को क्या कहा जाता है? तो ट्रांसपर्सनल संचार। नए माध्यमों जैसे कंप्यूटर, शॉपिंग और उसके बाद में इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संचार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इंटरैक्टिव संचार। भारत की पहली बहुभाषीय समाचार एजेंसी कौन है आपके? तो हिंदुस्तान समाचार। जो भारत में मूक फिल्म फीचर फिल्म के अग्रणी थे वो कौन थे आपके? तो दादा साहिब फाल्के। पत्रकारिता और संचार का MC राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है आपका? तो भोपाल में स्थित है। यहाँ से कंप्लीट हुए आपके 218 क्वेश्चंस पूरे। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये PDF आपका PG Point ऐप और PG Point टेलीग्राम पे है। अगर आप चाहें तो इसको वहां से पढ़ भी सकते हैं दोबारा से। PG Point ऐप पर आपका एक पेड PDF है, अगर आप चाहें तो आप उसे भी ले सकते हैं 25% ऑफ पे मात्र 50 रुपये में, है ना। तो ये थी हमारी एक छोटी सी जानकारी। अब इसके बाद होगी आपकी यूनिट 3।